नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ सिंह लगन व मीन राशि के लिए वक्री शनि का प्रभाव। शनि महाराज 17 जून 2023 को वक्री होने जा रहे हैं और वो 4 नवंबर 2023 तक वक्री ही रहेंगे। शनि के वक्री रहने का प्रभाव सिंह लगन व मीन राशि पर क्या पड़ेगा, आज हम इसी वीडियो में इस बात का विचार करेंगे। सबसे पहले हम समझ लें कि सिंह लगन व मीन राशि का क्या अर्थ है। अगर आपकी लगन कुंडली के पहले भाव में 5 नंबर लिखा है, इसका अर्थ है आपका सिंह लगन है। चंद्रमा अष्टम भाव में 12 नंबर में बैठा है, इसका अर्थ है आपकी मीन राशि। यानी आपका कम्बिनेशन अगर सिंह लगन व मीन राशि का बनता है तो आप ये वीडियो देख कर लाभ उठा सकते हैं। सिंह लगन में अगर हम बात करें तो शनि महाराज अभी सप्तम पे गोचर कर रहे हैं और वो सप्तम भाव में कुंभ राशि में वक्री होंगे। जैसे ही शनि महाराज वक्री होंगे वो पीछे की तरफ जाएंगे और मकर राशि की तरफ आएंगे और मकर राशि छठे भाव में पड़ती है और छठे भाव में शनि का गोचर हमेशा शुभ रहता है। मीन राशि की बात करें तो शनि महाराज अभी द्वादश में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण मीन राशि पर शनि की 7.5 चल रही है और शनि महाराज जैसे ही वक्री होंगे वो पीछे की तरफ जाएंगे मकर राशि की तरफ और मकर राशि आपकी आती है लाभ भाव में और एकादश भाव का शनि बहुत शुभ फल देते हैं। तो सिंह लगन व मीन राशि वो भाग्यशाली कम्बिनेशन है कि जिसमें शनि वक्री होते ही सिंह लगन में 6 भाव की 6 भाव में जाएंगे और मीन राशि में लाभ भाव में जाएंगे, तो दोनों तरफ से शनि बहुत बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएंगे आपके लिए। और साथ ही सिंह लगन व मीन राशि के जातकों के लिए 7.5 में राहत का समय रहेगा 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 के बीच में। अब हम सबसे पहले बात करें आपके कैरियर के लिए, तो आपके कैरियर के लिए शुभ घटनाएं घट सकती हैं जून से लेकर नवंबर के बीच में। जॉब की तलाश थी, आपको जॉब मिल सकती है। अगर आप लंबे समय से वर्तमान जॉब बदलना चाहते थे तो उसकी भी संभावना है और साथ ही साथ आपके प्रमोशन की भी संभावना बनती है, विशेषकर सितंबर के बाद आप देखेंगे प्रमोशन की संभावना ज्यादा बन जाएगी और सितंबर से पहले भी जून में भी आपके प्रमोशन की संभावना बन सकती है। सितंबर में आपके मन में विचार आ सकता है किसी प्रकार के परिवर्तन का। सितंबर का समय वो होगा जब आपके मन में जॉब बदलने का विचार आएगा, प्रमोशन की संभावना बन सकती है, आप वर्तमान जॉब को बदल सकते हैं और साथ ही साथ आपके ट्रांसफर की भी संभावना बनती है। जो विदेश जाने में इंटरेस्टेड है, विदेश की तरफ जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको विदेश में भी जॉब मिलने की संभावना है। और आप सिंह लगन व मीन राशि के जातक हैं, वर्तमान में आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है और उसकी कोई डेट आती है जून से नवंबर के बीच में, तो आपके लिए पॉजिटिव रहेगी, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। लाभ भाव का फल देंगे शनि महाराज मीन राशि से, तो इच्छा पूर्ति के भाव एक्टिवेट होने का अर्थ है कि आपका कोई रुका हुआ काम हो जाना, आपकी कोई लंबे समय से कोई इच्छा की पूर्ति हो जाना, तो ये शनि महाराज आपको इफेक्ट देने वाले हैं। और आपको अचानक धन लाभ होने की भी संभावना बनती है। अगर आपका कहीं पे पैसा रुका हुआ था तो हो सकता है जून से नवंबर के बीच में आ जाए। आप देखेंगे कि इस अवधि में जून से नवंबर के बीच में आपके कामों की गति तेज होगी, कामों की बाधाएं दूर होंगी और आपके कई रुके हुए काम हो सकते हैं। पर इसके साथ साथ कुछ सावधानी, क्योंकि सिंह लगन से सप्तम भाव का स्वामी वक्री हुआ है, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता। साथ ही सप्तमेश के वक्री का होने का अर्थ है कि दंपत्य जीवन में किसी प्रकार का तनाव। और साथ ही साथ अगर आप सिंह लगन व मीन राशि के जातक हैं और व्यापार आपका पार्टनरशिप में है, तो ध्यान रखिएगा पार्टनर से किसी प्रकार का विवाद ना हो जाए। साथ ही साथ जून से नवंबर के बीच में आपके खर्चे अधिक होंगे, जिसके कारण आप सेविंग नहीं कर पाएंगे। पर मेरा यह मानना है कि सिंह लगन व मीन राशि वो भाग्यशाली कम्बिनेशन है जिसके लिए शनि का वक्री होना हर तरीके से शुभ है। सिंह लगन से शनि महाराज छठे का फल दे रहे हैं और मीन राशि से लाभ भाव का, जहां दोनों जगह पे शनि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। तो आपके लिए जून से नवंबर का समय ऐसा है कि वर्ष 2023 में आपका कोई महत्वपूर्ण काम हो सकता है और इस कम्बिनेशन के लिए शनि का वक्री रहना शुभ रहेगा 68%। 68% एक बहुत अच्छी परसेंटेज है, जो इस बात का संकेत दे रही है कि वाकई आपके कामों की गति तेज होगी और आपके कई रुके हुए काम हो सकते हैं। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था कि सिंह लगन व मीन राशि के लिए वक्री शनि 68% तक बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सके। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।